हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वीक ऑफ अगस्त 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है हरियाणा में। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच इज द फर्स्ट न्यूज, टू हरियाणा साइट्स हैव बीन एडेड टू द रामसर लिस्ट एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन दो पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और हरियाणा के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि यहाँ के दो वेटलैंड्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो कुल मिलाकर 4 नई इंडियन साइट्स को रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है। रामसर लिस्ट क्या है ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो 4 टोटल साइट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। इसमें से 2 हरियाणा की हैं और 2 गुजरात की हैं। दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, जिससे कि इंडिया में अब टोटल नंबर ऑफ साइट्स अंडर द रामसर इज 46। तो पहले 42 साइट्स थी, अब 46 हो गई हैं। तो हरियाणा के कौन से 2 वेटलैंड्स हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम में है, एंड सेकेंड इज द भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन झज्जर। तो इन दोनों को वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है एंड दे हैव बीन मेड अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। रामसर लिस्ट का पर्पस क्या है? द एम इज टू डिवेलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस एंड बेनिफिट्स। तो रामसर लिस्ट को बेसिकली जो डिवेलप करने का या मेंटेन करने का पर्पस यह है कि पूरी दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। एंड व्हाई दिस एम्फेसिस ऑन वेटलैंड्स? बिकॉज वेटलैंड्स आर सम ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली और आई वुड से मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों वेटलैंड्स तो हरियाणा के हैं, इसके अलावा थोल और वधवाना वेटलैंड्स जो गुजरात में है इन्हें भी रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है। तो अगर अब हम एक एक करके देखें, हरियाणा में जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज एक्चुअली अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वेटलैंड है। इसमें 250 बर्ड स्पीशीज जो हैं वो आती हैं। यहाँ पर इस सेंचुरी को यूज करते हैं एज अ रेस्टिंग साइट, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। एंड द साइट सपोर्ट्स मोर देन 10 ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, स्टेपी ईगल, पलाज फिश ईगल एंड ब्लैक बेलीड टर्न। तो इतने इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आती है एंड इट इज़ अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। तो इसे एक तो इस लिस्ट में ऐड किया गया है। द सेकेंड वन इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जहाँ पर 220 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ या स्पीशीज पाई जाती हैं ऑफ रेजिडेंट बर्ड्स, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, जो कि जिसमें से कुछ थ्रेटन्ड हैं, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इनमें से 10 स्पीशीज ऐसी हैं विच आर ग्लोबली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग द क्रिटिकली एंडेंजर्ड और सीई का स्टेटस यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सोशिएबल लैपविंग एंड द एंडेंजर्ड विच इज EN कैटेगरी, इजिप्शियन वल्चर, साकर फाल्कन, पलास फिश ईगल एंड ब्लैक बेलीड टर्न। तो ये भी यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं। सो रामसर कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड्स, ताकि वेटलैंड्स को बचाकर रखा जा सके, उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। और इसका नाम रामसर इसलिए है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ सिटी इन ईरान। ईरान कंट्री में एक सिटी है रामसर, जहां पर ये कन्वेंशन साइन की गई थी इन फेब्रुअरी 1971। तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। और इन चारों नई साइट्स को मिलाकर अब कुल मिलाकर 46 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स आते हैं जैसे कि चिल्का लेक जो ओडिशा में है, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, हरीके पत्तन लेक इन पंजाब, लोकटक लेक मणिपुर की और वुलार लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे वेटलैंड्स चाहे वो नेचुरल हों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर द वेटलैंड इज नेचुरल और इट इज़ मैन मेड, आइदर इट इज़ सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, डजेंट मैटर, इट शुड बी अ वेटलैंड। और उसे अगर रामसर लिस्ट में डाला जाता है देन इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ दैट वेटलैंड। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर हरियाणा
कि इसके दो वेटलैंड्स को इस लिस्ट में जगह मिल गई। नेक्स्ट अगेन एन इश्यू रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नंबर वन एंड ऑल्सो रिलेटेड टू गवर्नेंस एज वेल, गवर्नेंस से भी इसका ओवरलैप है। सो हरियाणा में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है विच इज ऑक्सी वन, इट इज नॉट वैन, इट इज वन, यानी कि फॉरेस्ट। तो ऑक्सी वन या ऑक्सी फॉरेस्ट का मतलब है कि स्टेट में ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन बेसिकली उसको बढ़ाने के लिए हरियाली तीज के मौके पर हरियाणा सीएम ने ये लॉन्च किया है एंड इट्स नेम इज लाडो की बगिया। इट इज एन ऑक्सी वन बिल्ट ऑन 5 acres एट खानपुर खुर्द विलेज इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो ये अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट कि ऑक्सी वन होता क्या है। तो यहाँ पर 500 नए पौधे या सैपलिंग्स प्लांट किए गए हैं बाय एज मैनी डॉटर्स हु हैव डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ दीज ट्रीज, बेसिकली फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, राइट, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एयर को इम्प्रूव करने के लिए। द कॉन्सेप्ट इज कि जितनी भी बेटियाँ होंगी हर एक बेटी एक पेड़ को या एक पौधे को अडॉप्ट करेगी और फिर उसके लिए लुक आफ्टर उसकी करेगी। द ट्रीज आर प्लांटेड ऑन अबाउट 7% ऑफ द स्टेट्स एरिया। तो अगर फॉरेस्ट कवर या ट्री एरिया की बात करें तो 7% पूरे हरियाणा का एरिया जो है वो ट्रीज से स्टडेड है। इसको बढ़ाकर 10% करने का टारगेट स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है और इसके लिए इस मानसून में ही 3 करोड़ नए सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे एट वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग द ऑक्सी वंस एट ऑल दीज प्लेसेस। तो ऑक्सी वन बेसिकली इज अ कॉन्सेप्ट जिसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट 5,000 स्टोर्स, 5K मीन्स 5,000 स्टोर्स टू बी ओपन्ड इन हरियाणा अंडर द हर हित स्कीम। तो हरियाणा में एक नई स्कीम शुरू की गई है हर हित स्कीम जिसके अंडर हर हित स्टोर जो है वो ओपन किए जाएंगे। तो 5,000 स्टोर इसके अंडर ओपन किए जाएंगे। हर हित स्टोर और बेसिकली कि जो हमारे रोजमर्रा की चीज़ें हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ डेली नीड विल बी प्रोवाइडेड एट रीजनेबल प्राइसेस। तो अभी कई जगह पर ये रीजनेबल प्राइसेस पर सामान नहीं मिलता है विच इज़ ऑफ डेली यूज, तो इसके लिए 5,000 नए ये स्टोर्स खोले जाएंगे विच विल बी लाइक किराना शॉप्स। पहले फेज में 2,000 स्टोर खोले जाएंगे 1,500 रूरल एरियाज में 500 अर्बन एरियाज में। और ये किसको दिए जाएंगे, बेसिकली द गवर्नमेंट विल बी एलोकेटिंग दीज स्टोर्स। तो जो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड है HAICL, ये हर गांव जिसकी पॉपुलेशन 3,000 से ज़्यादा है वहां पर 200 स्क्वेयर फुट का लैंड इसके लिए अलॉट करेगी। और जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ हैं जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं अर्बन एरियाज के लिए हैं, ये हर एक वार्ड के लिए जहाँ की क्यूमुलेटिव आबादी 10,000 से ऊपर है उस हर एक वार्ड के लिए एक रिटेल आउटलेट जो है वो अलॉट करेगी। तो एक तरह से सरकारी दुकानें होंगी और इसमें बेसिकली यूथ फ्रेंचाइजेस को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स भी इन्हें रन कर सकेंगे, FPOs या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें रन कर सकेंगे या फिर SHGs या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इन्हें रन कर सकेंगे। तो ये सारी एलोकेशन गवर्नमेंट करेगी और ऐसे 5,000 स्टोर्स खोले जाएंगे। इन स्टोर्स को जनरली बहुत ही गरीब तबके के लोगों को दिया जाएगा, उन लोगों को जिनके पास परिवार पहचान पत्र है और जिनकी फैमिलीज की एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है उन्हें इस योजना के तहत प्रायोरिटी दी जाएगी। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दीज स्टोर्स और इन सभी सेक्शंस को भी उससे फायदा मिलेगा। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट गवर्नमेंट रेडीज स्पेशल माइक्रो इरिगेशन स्कीम। तो हरियाणा सरकार ने एक स्पेशल स्कीम बनाई है माइक्रो इरिगेशन के लिए इन द स्टेट एंड दिस इज अ स्पेशल स्कीम फॉर फार्मर्स। तो इस स्कीम में बेसिकली पर्पस क्या है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके लेकिन पानी की बचत हो। अभी हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से हरियाणा के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अलार्मिंग लेवल पर नीचे चला गया है, द ग्राउंड वाटर हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली। तो ऐसे में पानी को कम कंज्यूम करने के लिए ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है माइक्रो इरिगेशन, इससे पानी की बचत होगी और इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगर फार्मर्स ने इस स्कीम का फायदा लेना है तो एक पोर्टल इसके लिए डेवलप किया गया है जहां पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार इसको इंस्टॉल करके देगी सब्सिडाइज्ड रेट पर। तो अगर एक इंडिविजुअल किसान इसके लिए अप्लाई करता है तो उसे वाटर टैंक बनाने के लिए 70% सब्सिडी दी जाएगी, सोलर पंप 75% सब्सिडी पर प्रोवाइड कराया जाएगा और एक मिनी स्प्रिंकलर जिससे कि पानी का छिड़काव किया जाता है फसलों पे वो 85% सब्सिडी पे दिया जाए। और यही अगर एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स अप्रोच करते हैं तो उसमें सब्सिडी ज़्यादा है, 85% सब्सिडी दी जाएगी वाटर टैंक पे, 75% सोलर पंप पे और 85% दी जाएगी मिनी स्प्रिंकलर या फिर ड्रिल पे। इसके अलावा जिस लैंड के ऊपर ऑन फार्म पॉन्ड या फिर पानी जमा करने के लिए एक छोटा सा तालाब बनाया जाएगा जिससे माइक्रो इरिगेशन हो सके, ये भी किसानों को प्रोवाइड कराएगी सरकार। 2 कनाल जमीन प्रोवाइड कराई जाएगी ऑन फार्म पॉन्ड के लिए हर 25 एकड़ ऑफ लैंड के लिए, हर 25 एकड़ के लिए 2 कनाल लैंड सरकार प्रोवाइड कराएगी। और इस स्कीम के तहत इट्स ऑलमोस्ट टोटली गवर्नमेंट फंडेड, लेकिन किसानों की तरफ से इनिशिएटिव देखने के लिए 99% ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार करेगी और 1% जो है वो किसान खुद करेगा, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। स्टेट में माइक्रो इरिगेशन अगर प्रोवाइड कराई जाएगी तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। एंड ऑफकोर्स सोशल सिक्योरिटी, कि किसानों के लिए ये स्कीम है वेरी प्रोग्रेसिव स्कीम जिससे कि मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं इससे होंगे, इकोनॉमी को भी फायदा होगा, इकोलॉजी को फायदा होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो उतना ज्यादा नहीं नीचे जाएगा एंड ऑल दैट। नेक्स्ट एक न्यूज जिसके बारे में ऑफकोर्स सबको पता होगा, हरियाणा हैज अचीव्ड, यू नो, हरियाणा हैज बीन लॉडेड अ लॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज अदर स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग सो मेनी ओलंपियंस इन द स्टेट। और अब हरियाणा सरकार ने अपने जो ओलंपियंस हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं उनको अच्छे से फेलिसिटेट किया है, तो हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने ये फेलिसिटेशन सेरेमनी में चेक्स बांटे, 23 करोड़ वर्थ के चेक्स बांटे उन खिलाड़ियों को जो कि टोक्यो ओलंपिक से मेडल जीत कर आए हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 6 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट के लिए 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए 2.5 करोड़ पर प्लेयर जो है वो अनाउंस किया गया था। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये फिगर्स आपको याद होने चाहिए। और इन ये तीनों चेक्स जो हैं ये नीरज चोपड़ा को गोल्ड के लिए, रवि दहिया को सिल्वर के लिए और बजरंग पुनिया को जो है वो ब्रॉन्ज के लिए दिए गए रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा मेंस हॉकी टीम प्लेयर जो थे सुरेंद्र कुमार और सुमित, इनको भी 2.5 करोड़ के चेक्स जो है वो दिए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्लेयर्स विल ऑल्सो बी गिवन जॉब ऑफर लेटर्स अलॉन्ग विद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हुडा के जो प्लॉट्स हैं वो भी कंसेशनल रेट्स पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अ टोटल ऑफ 32 प्लेयर्स वर ऑनर्ड, चाहे उन्होंने मेडल जीता या नहीं उन्हें भी कॉन्सोलेशन में कुछ ना कुछ प्राइज दिया गया। सो बेसिकली द स्पोर्ट्स कल्चर ऑफ हरियाणा इज इन फोकस हियर, द स्पोर्ट्स कल्चर ऑफ द स्टेट एंड द एनकरेजमेंट गिवन टू द प्लेयर्स जिससे कि यहाँ पे जो हरियाणा का एक कल्चर ही बन गया है स्पेशली इन द रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। अब आने वाले वक्त में यहाँ पर एथलेटिक्स में भी जो है वो अच्छा बूस्टअप मिलने का चांस है बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी अच्छे से पता होनी चाहिए, सो ट्राई टू सर्च अबाउट इट, ट्राई टू रीड सम फाइन पॉइंट्स अबाउट द स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ हरियाणा सिंस द स्टेट इज डूइंग सो वेल इन इट, सो हाउ कैन दिस बी इम्प्रूव इवन फर्दर। सो दैट इज इट फॉर दिस वीक्स करंट अफेयर्स फ्रॉम द स्टेट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you so much and have a nice day.